स्वागत है दोस्तों आपका हमारी YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज हिंदी एवं इंग्लिश क्लास 6 to 8 यानी कि मिडिल स्कूल के जो भी पेपर हुआ था BPSC TRE 2.0 के द्वारा उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे आंसर की देखेंगे, 1 से 150 नंबर तक पूरे सारे क्वेश्चन का देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास लैंग्वेज का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए आपका डायरेक्शन है, आपको सुटेबल आर्टिकल AN 10 से इसको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वीडियो ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डैश वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज पेपर इन USA। तो द हो जाएगा इसका सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। इनमें से कौन एक किचन का पार्ट नहीं है, तो इसमें से एक से ज्यादा ऐसे हैं जो किचन का पार्ट नहीं है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट। इनमें से कौन एक फ्रूट नहीं है, तो एक से ज्यादा ऐसा है ऑप्शन, तो डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लुक देयर आर डैश इन द वॉटर। तो इसका हो जाएगा सही आंसर टैडपोल, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। क्या होगा, तो इसे लीप ईयर कहा जाएगा, तो मोर डेज इन ए मंथ, ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, सन ऑफ ब्रदर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है नेफ्यू, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, फादर सिस्टर इज नोन एज, फादर के सिस्टर कहे जाते हैं, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ये आता है आपका गढ़वाली, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कनौजी किस उपभाषा की बोली है, तो ये है आपका बिहारी की उपभाषा, सी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है, तो इसके लिए सटीक मुहावरा है तिल का ताड़ करना, डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की, तो तुलसीदास ने कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो इसमें टोटल आपका 4 बोलियां आती हैं, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा है, तो इसने इनका है जॉर्ज अब्राहम ग्रीरसन, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो ये पूर्वी पहाड़ी हो जाएगा सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो इसे आपको एक से अधिक इनमें से है जिनसे पुकारा जाता है, डी और इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध शब्द बताना था, तो अंत्याक्षरी जो ए वाला है ये सही है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है, तो नव प्लस बड़ा ऊढ़ा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, रिजु का पर्यायवाची शब्द है, रिजु का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा सरल, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो पारितोषिक आपका इनाम का पारितोषिक है, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पर्याय की दृष्टि से कौन सा सही युग्म नहीं है, तो जो सही युग्म नहीं है वो है अनिल तुषार, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर, पाकेटमार शब्द में कौन सा समास है, पाकेटमार में आपको समास बताना है, तो तत्पुरुष हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो इनमें से एक से अधिक शुद्ध वाक्य है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है, तो वाक्य में जो एक है वो है विशेषण, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये प्रयुक्त हुआ है आपको यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो भारत की प्राचीन आर्य भाषा एक से अधिक होता है, तो ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर, निम्नलिखित में से जातिवाचक संख्या कौन सी है, तो जातिवाचक संख्या इनमें से कोई भी नहीं है, इससे संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है,
ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम आपको बताना है तो सी हो जाएगा सही आंसर, मैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में क्रिया का स्वरूप है, तो जो सही है वो है इच्छा बोधक क्रिया ए। अगला पार्ट है हमारे पास जनरल स्टडीज का, तो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 से जितने भी पेपर आएंगे उनके आंसर की और कंप्लीट आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट टू, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है 31 नंबर, एक दुकान में दो पेंसिल और तीन रबर की कीमत 9 रुपया तथा चार पेंसिल और छह रबर की कीमत 18 है, तो प्रत्येक पेंसिल और रबर का कीमत क्या है? आपको प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का कीमत बताना है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है ऑप्शन सही, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन है, चार भवनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम इनमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु होगी, माँ की कितनी आयु होगी? तो माँ की आयु होगी 37 वर्ष, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है, तो जो सही आयतन होगा वो हो जाएगा आपका 2783 घन मीटर बी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 15 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 50 के बीच में आती हैं अभाज्य। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, आपको बताना है इसका मान बताना है कि मान क्या होगा, तो इसका जो सही मान होगा वो हो जाएगा ए 35/73। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, एक्स वाई जेड घनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपको इसका मान बताना है, तो जो सही मान होगा वो हो जाएगा 5x²yz², ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, आपको यदि 3 tan θ = 4 है तो आपको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका जो सही मान है इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही मान हो रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर, लोहे का एक टुकड़ा जिसका कि बीमा आपको दिया है 49 cm × 33 cm × 24 cm, बीमाओं वाले एक घना आकार में है, इसको ढालकर ठोस गोला बनाया जाता है, गोले का आपको त्रिज्या बताना था, तो गोले का त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 cm सी। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, तो किस लिए उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है आपका मंदक के रूप में, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो लैक्टियल संबंधित होता है वसा अवशोषण, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप कार्य की, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है अनुवांशिकी, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, लिगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो आवश्यक वर्णक जो है ये है लेग हीमोग्लोबिन, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह होगा, तो ये एंजाइम हो जाएगा एमाइलेज, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, Al2O3.2SiO2.2H2O, इसका ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये है आपका चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, वह जानवर जो मुख्य रूप से मांस खाता है क्या कहलाता है? तो इंग्लिश में मांसाहारी जानवर को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कार्निवोरस कहते हैं, तो कार्निवोर हो जाएगा इसका सही आंसर, बी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर DG यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो जो नहीं हुआ था वो था रायपुर, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? आपको मुख्य अतिथि का नाम बताना है, तो ये थे अब्देल फतेह अल सीसी, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसे आयोजित किया गया था नई दिल्ली, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 50, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो परियोजना निदेशक थे
निगार साजी, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कैलिफोर्निया ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो रूबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा किया है भूटान ने, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 53 नंबर, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो इसे दिया गया है आपको जनरल दलबीर सिंह सुहाग को, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस लाना फिर से भारत में, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? आपको युवा वलित पर्वत नहीं है ये बताना है, तो इनमें से एक से अधिक ऐसे हैं, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्न में से किसकी न्यून हिमरेखा है? न्यून हिमरेखा आपको बताना है, तो ये आल्पस क्षेत्र हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? तो सबसे अधिक आच्छादित क्षेत्र है मालवा का पठार, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? तो कांटेदार जंगल आपको तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? आपको सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी बताना है, मेघालय हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, उस देश का नाम बताइए जो पहले G20 की मेजबानी नहीं करेगा? अभी हाल ही में 2023 में भारत ने मेजबानी किया था G20 का, अब आपको बताना है G21 का कौन करेगा? तो G20 का मेजबानी करेगा ब्राजील, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, हवा में नमी मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, सी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्न में से कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता या चलती है? तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ हो जाता है, ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ? तो ये आपका हुआ था, इनमें से कोई भी ऐसा सही नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, ए हो जाएगा सही आंसर। 65 नंबर, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार लीग यूथ का गठन हुआ था आपको 1928 में, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 66 नंबर, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व करने वाले थे ये थे आपके बिपिन बिहारी वर्मा, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? कब किए गए? तो ये था आपका 24 सितंबर 1932, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 69 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये जो बना था आपका, इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो मशहूर नारा जो इनकलाब जिंदाबाद था ये हसरत मोहानी ने दिया है, सी हो जाएगा सही आंसर, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 3, अब हम लोग हिंदी भाषा को देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पेपर होंगे सारे सॉल्यूशंस आएंगे और आंसर की तो अभी अपलोड कर ही रहे हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपके लिए बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, वहां से भी आप जुड़िए। तो पार्ट 3 को चालू करते हैं हिंदी को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 71 नंबर, 71 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। आपका पुस्तक का नाम ये रहा और लेखक के नाम ये रहा, आपको कूट भी दिया गया बहुत सारा। तो हम अगर देख लेते हैं पुस्तक का नाम और लेखक का नाम, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ए दो नंबर हो जाएगा, ए का दो। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके राम कुमार वर्मा। और इसके बाद उत्तरी भारत की संत परंपरा, इसके जो राइटर हैं वो हैं पशुराम चतुर्वेदी, पशुराम चतुर्वेदी हैं। तो ये हो जाएगा
एक और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके जो लेखक हैं वो है आपके बच्चन सिंह, बच्चन सिंह हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक जो हैं वो हो जाएंगे गणपति गुप्त। इस तरह से हमारा जो पहला का दो है, तो इनमें से कौन सा पहला का ए का दो मिल रहा है, तो बी ही हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 73 नंबर, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है, तो मुख्य विषय है राजनीतिक द्वंद्व, ए वन हो जाएगा इसमें। और ये आपका हो जाएगा व्यय संधि भी हो जाएगा, तो इस तरह से आपका ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है, आपको ये बताना था, तो ये था सिंधी भाषा, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, विद्वानों द्वारा रीति काल के नामकरण से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है, तो जो सत्य नहीं है ये होगा इनमें से कोई भी आपका करेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन थे, तो ये विद्वान आपके कोई और नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह तथा छपियों का राजा किसे कहा जाता है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, ई हो जाएगा सही आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 77 लिख के कि इसका सही आंसर जो है छपियों का राजा और छंदों का बादशाह किने कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 78 नंबर, क्वेश्चन है 78 नंबर, संत काव्य धारा में सबसे शिक्षित संत कौन थे, तो जो सबसे शिक्षित संत थे ये थे सुंदर दास, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, तो इसकी उत्पत्ति मानी है रामचंद्र शुक्ल ने, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, सही अनुक्रम बताना है, तो सबसे पहले गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना, ये हो जाएगा सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 81 से 85 नंबर, क्वेश्चन में आपको गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है, तो गद्यांश पढ़ने के लिए हम इस स्क्रीन को छोटा कर देते हैं, आप ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ सकते हैं, ये रहा आपका गद्यांश, हम लोग देख लेते हैं इसके आंसर की को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 81 नंबर, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, तो इसका जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा वो हो जाएगा आचरण की सभ्यता, आप लोग बताइए क्या शीर्षक देना चाहते हैं, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 82 नंबर, सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है, इस वाक्य में प्रखर शब्द है, प्रखर क्या होगा, तो जो प्रखर शब्द है ये हो जाएगा आपका विशेषण, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निघणु शब्द का अर्थ है, निघणु शब्द का अर्थ आपका हो जाएगा पर्यायवाची कोश, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84, किसके बनने में अनंत काल लगा है, तो अनंत काल लगा है आपको आचरण को बनने में, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, आपको इस वाक्य में नम्रता शब्द को बताना है कि ये क्या है, तो नम्रता आपका हो जाता है क्रिया विशेषण, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका उत प्लस डयन, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 87, यदि छोटी बड़ी ऊ छोटा बड़ा ऊ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रम से य, व और र हो जाता है, कौन सी संधि, आपको संधि बताना था, तो इसका संधि हो जाता है यण स्वर संधि में ही होता है, ए हो जाएगा। 88 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समास दृष्टि से शुद्ध है, तो जो शुद्ध है ये हो जाएगा चाल चलन अव्ययी भाव, सी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संख्या होता है, तो ये आपका हो जाता है द्विगु समास, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 90 नंबर, शुद्ध वर्तनी है, इनमें से आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है, तो जो शुद्ध वर्तनी है वो हो जाएगा श्रृंखला, सी हो जाएगा सही आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, किस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो जो नया अर्थ प्रकट करने वाले हैं वो है बहुव्रीहि समास, बी हो जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है, तो स्वर भंग आपका सात्विक अनुभव है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
93 नंबर पारबंध का विलोम शब्द है, पारबंध का विलोम शब्द आपका हो जाता है अनार बध, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, तो जो सही शब्द नहीं है वो हो जाएगा आपका जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 95, किसी समाज के सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डैश को देखकर किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपको आचरण को देख के, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, तो जो गलत सुमेलित है वो हो जाएगा नजर पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना, ये हो जाएगा गलत, इसलिए बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद किस विकल्प में है, मात्रिक छंद आपको बताना है दोहा चौपाई सुरठा, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, इस दिए हुए पंक्ति में इनमें से किस छंद का उदाहरण है, आपको छंद का उदाहरण बताना था तो दोहा का ये रूप है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, निम्नलिखित में से किस लक्षणा को अजहर्स्वना लक्षणा भी कहते हैं, तो इसे कहा जाता है उपादान लक्षणा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार आचार्य का कौन सा क्रम सही है, तो सही क्रम है आपका भाम दंडी आनंद वर्धन ममट, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 101 रस सूत्र व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है, छोटा स्क्रीन कर देते हैं हम, और आपको अगर सुमेलित करना है तो इसमें होगा क्या, आपके पास है सबसे पहला है हमारे पास भट्ट लोलट, तो भट्ट लोलट आपके हो जाएंगे भुक्तिवाद, इसके बाद आ जाता है आपका शंकुक आ जाएगा उत्पत्तिवाद, इसके बाद आ जाता है भट्टनायक आपका आ जाएगा भट्टनायक हो जाता है अनुमितवाद, तीन हो जाएगा इसका, और अभिनव गुप्त आ जाएगा एक नंबर में। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर है 1A का हो जाएगा आपका, ए का था हमारा 2, तो ए का 2 है तो ये केवल बी में ही मैच कर रहा है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 में आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है आपको, तो सबसे पहला है संकल्प जो है ये हो जाता है आपको, संकल्प हो जाता है आपका तत्सम हो जाता है, इसके बाद हमारे पास है सूरज, तो सूरज हो जाता है आपका सूरज तद्भव हो जाता है, इसके बाद काका आ जाएगा देशज में, इसके बाद आ जाएगा मोटर आ जाएगा आपका विदेशी में, और रेलगाड़ी आ जाएगा शंकर। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा ए का है आपका 3, तो ए का 3 इनमें से है केवल और केवल सी में, तो इसलिए सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा सही नहीं है, आपको सही नहीं है ये बताना है, तो जरठ जठर बराबर जवान पेट, ये सही नहीं है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 104 नंबर, निम्नलिखित अनिकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही है, अनिकार्थी शब्द का युग्म सही आपको बताना है, तो इसमें से सुरभि स्वर्ण सुगंध, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 105 नंबर, निम्न शब्दों के मूल शब्द तथा इसमें लगे प्रत्यय का कौन सा युग्म गलत है, आप कौन सा युग्म गलत है ये बताना, बचपन प्लस पन, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है, तो ये आपको रहता है अभिधा में, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है, तो ये आपका है अनुच्छेद 350, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर में दिए गए दोहे में अलंकार का प्रयोग बताना है, तो इसमें प्रयोग हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है ये बताना था, तो इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर ट, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, जिस संज्ञा में किसी भाव दशा धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा, बी हो जाएगा सही आंसर। आगे है हमारे पास इंग्लिश का, और सबसे पहले दे दिया है हमें पैसेज 111 से 125 का जो क्वेश्चन है ये पैसेज पे बेस्ड है, स्क्रीन को हम छोटा कर देते हैं,
आप यहाँ से पैसेज को पढ़ सकते हैं। और ये रहा आपका पैसेज, दो पेज में है ये कंप्लीट पैसेज, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हम लोग आते हैं आंसर की पे, तो हमारे पास है पहला क्वेश्चन इसमें 111, व्हाट विल हैपन इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड। अगर पावर टू डिसाइड को डिस्पर्स्ड कर दिया जाए तो डिसीजन मेकिंग विल बी इजी, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 112, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। आपका हो जाएगा डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल पीपल आर इन पावर, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, पावर इज शेयर्ड अमंगस्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सच एज, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द एबव, इसमें स्टेटमेंट है इसलिए डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 114, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मीन्स, तो इसका सही मीनिंग हो जाता है डिवाइडिंग पावर एट सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 115, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंश्योर्स, तो ये इंश्योर करता है आपको इच ऑर्गन एक्सरसाइज लिमिटेड पावर, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट, आपको ये बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, सी। अगला क्वेश्चन है 117, पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप इज कॉल्ड एज, तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है मोर देन वन ऑफ एबव, हो जाएगा इसका सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है, व्हाट इंश्योर्स द दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा पावर, तो इनमें से एक से अधिक ऐसे स्टेटमेंट है जो सही हो रहे हैं, तो डी इसका सही आंसर। 119 नंबर, डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर इज पॉसिबल व्हेन, डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर पॉसिबल होता है और ये तब होता है, इनमें से एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज, आपको गिवन पैसेज का एक सुटेबल टाइटल देना था, तो सही आंसर हो रहा है पावर इन पॉलिटिक्स, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग विद द वर्ड कोर्स, ये आपको बताना था, तो ये हो जाएगा आपका रफ, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 122, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड एक्यूरेट, एक्यूरेट का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रेज, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123 का जो क्वेश्चन है, द ह्यूज पेंटिंग विल बी कंप्लीटेड बाय द आर्टिस्ट बाय एंड ऑफ दिस मंथ, आपको करना है इसमें चेंज करना है वॉइस को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द आर्टिस्ट विल कंप्लीट द ह्यूज पेंटिंग बाय एंड ऑफ दिस मंथ, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, इसमें भी आपको चेंज करना है वॉइस, तो इसका भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, डिलीवर्ड ए थैंक यू स्पीच ऑन ओकेजन ऑफ हर कन्वर्सेशन, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन, हैव यू एवर डैश सच ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कम अक्रॉस, बी हो जाएगा सही आंसर, इसमें फ्रेजल वर्ब से आपको फिल करना था करेक्ट। अगला क्वेश्चन 126, एन अम्ब्रेला ऑफ लैंड इज यूज फॉर ब्यूरियल, इसमें फाइंड आउट करना है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसके लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सीमेट्री, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाई फायर इज नोन एज, तो इसे कहा जाता है आपको होलोकॉस्ट, बी। अगला क्वेश्चन है 128, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड, तो वो प्लेस जहां बी को कैप्ट किया जाता है, तो मोर देन वन इसमें से सही हो रहा है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, फाइंड आउट द वर्ड विच इज मिस स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें से एक से ज्यादा मिस वर्ड मिस स्पेल्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डायरेक्शन हमारे लिए 130 से 131 नंबर क्वेश्चन के लिए कर दिए गए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 130 है, दे डैश टू अटेंड ए डांस पार्टी टूडे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर गोइंग, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 131, रामा डैश वीडियो गेम्स सिंस मॉर्निंग, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको इज प्लेइंग, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसके लिए पहले डायरेक्शन दे दिया है 132 से 134 के लिए, स्पॉट करना है आपको एरर फाइंड आउट करना है इसमें से। 132 नंबर, एवरीवन इज गॉन टू द पार्टी टुडे, तो इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है गॉन टू द, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 133, समांथा इज टॉलर इन होल फैमिली, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलर इन द, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, सी टेक्स हर डॉग फॉर ए वॉक टुडे इवनिंग,
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी टेक्स हर डॉग, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 135। सी इज करेंटली रीडिंग गोदान व्हिच इज रिटन बाय फेमस हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद। आपको पंक्चुएट करना है, मतलब सही पंक्चुएशन लगाना था, तो इसमें सही पंक्चुएशन वाला हो जाएगा आपका सी। सी इज करेंटली रीडिंग गोदान व्हिच इज रिटन बाय फेमस हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 136 नंबर। सी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट टेंस इस गिवन सेंटेंस में, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन है, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट टेंस इस सेंटेंस में, करेक्ट टेंस आपको बताना था, तो इसका करेक्ट टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। आपके पास ये स्पीच है, प्रिया सेज माय फादर इज एन एक्सेलेंट टेनिस प्लेयर, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रिया सेड दैट हर फादर वाज एन एक्सेलेंट टेनिस प्लेयर, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, सी सेड टू मी विल यू पे माई फूड बिल। कन्वर्ट करना है सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पे हिज बिल, हिज फूड बिल, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, ब्लूबेरी एक कंपाउंड वर्ड है जो कि बनता है, तो ये बनता है आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन से, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 141 नंबर, आई हैव ए पेट डॉग एंड हिज नेम इज रोबर्ट। इस अबव सेंटेंस ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है आपका कंपाउंड सेंटेंस का, बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 से 143 के लिए डायरेक्शन क्या है, आपको अंडरलाइन जो दिया गया एडियम और फ्रेज है इसको बताना है आपको। 142 नंबर, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड आपका मोर देन वन ऑफ एबव हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 143 नंबर, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको डू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 144 नंबर, सी केम लेट बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग कैट एंड डॉग। अंडरलाइन सेक्शन आपको बताना है ये जो बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग इस सेक्शन में क्या है, तो इस सेक्शन में है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, चूज करना है आपको करेक्ट ऑप्शन जो कि रिलेटेड है पैसेज से, गिवन कोट्स, तो आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग अमॉन्ग योर थॉट, ये हो जाएगा सही आंसर ए। 146 नंबर क्वेश्चन है, रानी इज राइटिंग फॉर हर डॉक्टर डैश आफ्टरनून। करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें बताना था, तो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा सिंस, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 147 नंबर, हर ऑफिस इज डैश द टॉप फ्लोर ऑफ दैट टॉल बिल्डिंग। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना था, तो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ एबव, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, इसमें चूज करना है अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा एक से अधिक, मोर देन वन, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 149 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर राइटिंग एन एडजेक्टिव पैराग्राफ। एडजेक्टिव पैराग्राफ लिखना है आपको, तो सही है इसका जो मोर देन वन ऑफ एबव हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैल्यूटेशन इन लेटर राइटिंग। सैल्यूटेशन लेटर राइटिंग में आपको बताना है, तो इनमें से एक से ज्यादा जो होता है वो सैल्यूटेशन के लिए हो सकता है, तो डी, सॉरी, इसमें से कोई भी आपका सैल्यूटेशन के लिए नहीं यूज होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर ई, ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह से हमने सारे 150 क्वेश्चन को कर लिया है, इसलिए हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके नए नए वीडियोज आ रहे हैं लगातार। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, बहुत सारा लिंक दे दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो में बने रहे।